Hi guys, I'm welcome back to my channel. तो आज की जो वीडियो है वो है हियालुरोनिक एसिड पे. मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ लॉरियल रिविटालिफ्ट हियालुरोनिक एसिड का. ये है 1.5% हियालुरोनिक एसिड और इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप इसका रिव्यू करो. ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है. प्लस मैं आपको जो तीन फेमस हियालुरोनिक एसिड्स अवेलेबल हैं मार्केट में उनका डिफरेंस भी बताऊंगी, लाइक हयालुजेल एंड द मिनिमलिस्ट एंड ये लॉरियल का. इन तीनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए या कौन सा बेटर रहेगा. एंड या और मैंने ये जो हयालुरोनिक एसिड है इसको मैंने 2.5 हफ्ते ऑलमोस्ट 3 हफ्ते कह लीजिए यूज़ किया है अच्छे से. उसके बाद मैं फाइनली ये रिव्यू आप लोग के लिए बना रही हूँ. इट्स नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल रियल रिव्यू है. अगर आपको देखना है तो आप आगे फॉलो कीजिए मेरी वीडियो को और देखिए. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो गाइज, दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग. एज आप सबको पता है कि जब भी मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ मैं उसकी आउटर पैकेजिंग हमेशा संभाल के रखती हूँ. और ये है बॉटल, ये है कांच की बॉटल. जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही स्टर्डी है, बहुत थिक कांच की बॉटल है ये. प्लस इसके अंदर जो लिक्विड है वो है 15 ml प्रोडक्ट. ये 15 ml मुझे पड़ा 424 रुपीज़ का अमेज़ॉन से. तो अभी इसका प्राइस आई गेस 439 दिखा रहा है अमेज़ॉन पर. आई डोंट नो, मैंने 424 पे इसको बाय किया था. तो आप इसको देखेंगे कि जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक लीक प्रूफ लिड लगी हुई है. ये प्लास्टिक की लिड है जिससे कि आपका जो लिक्विड है वो लीक नहीं होगा. तो इट्स अ ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल पैकेजिंग, ठीक है. तो ये हमारा जो हयालुरोनिक एसिड है ये है 1.5% हयालुरोनिक एसिड. जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स जो है इसकी पैकेजिंग पे लिखी है. अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ. गाइस, ये नॉर्मल जो हम हयालुजेल और मिनिमलिस्ट का जो भी हयालुरोनिक एसिड हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा जेल लाइक है. ये देखिए आपकी, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रनी है जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत स्प्रेडेबल है. तो गाइस, अब मैं आपको ये तीनों जो है ना ये हयालुरोनिक एसिड, इन तीनों का डिफरेंस दिखाऊंगी. तो ये देखिए, ये इसकी ना, ये मेरे पास हयालुरोनिक एसिड की न्यू ट्यूब है, मैंने ये नई ऑर्डर की है. तो आप देख सकते हैं कि इस पर अब ये पैराबिन फ्री का एक मार्क आ गया है. पुरानी वाली पैकेजिंग भी मेरे पास पड़ी थी, उस पर ये मार्क नहीं है, पर इस पर देखिए ये नया एक पैराबिन मार्क आ गया है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैकेजिंग्स मेरे पास पड़ी रहती है. मुझसे मत पूछिए आप क्यों मेरे पास पैकेजिंग पड़ी रहती है. मेरे अलमीरा में बहुत सारी आपको पुरानी पैकेजेस मिल जाएंगे. तो या तो ये देखिए, अब मैं आपको इन तीनों का क्लियर यहाँ पे डिफरेंस दिखाती हूँ और तीनों का प्राइस भी बताऊँगी, तीनों का वेट भी बताऊँगी, कितना कितना इसके अंदर प्रोडक्ट आपको मिलता है वो भी बताऊँगी. तो ये देखिए, सबसे पहले हयालुजेल की हम कंसिस्टेंसी देखते हैं. प्योर जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, लाइक आई लव इट, मुझे अच्छी लगती है. तो बिकॉज लाइक यू नो, जेल इज़ वेरी वेरी ईजी टू स्प्रेड एंड हर स्किन टाइप पे चल जाती है. एंड मिनिमलिस्ट की भी जेल लाइक है, थोड़ी सी बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है हयालु जेल से. एंड लॉरियल का तो टोटली डिफरेंट टेक्सचर है, बहुत ही रनी सा लिक्विड है. एंड ये देखिए, मैं आपके सामने तीनों का डिफरेंस दिखा रही हूँ. ये तीनों आपके सामने हैं. एंड ये देखिए, लॉरियल वाला तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर है. बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत चीज़ है, मुझे सही लगा. ये भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा था, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा था. इन तीनों में से कोई भी हयालुरोनिक एसिड आपके फेस पे सिट नहीं करता है. लाइक एक वो जो एक चिपचिपी सी फीलिंग होती है वो नहीं आएगी. तीनों को लगाने के बाद तीनों का ही जो एब्जॉर्प्शन का एक क्वालिटी है वो तीनों का बहुत अच्छा है. तीनों बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के अंदर. अब मैं आपको तीनों के प्राइसेस के बारे में बताती हूँ. तीनों ये आपको मैं तीनों का प्राइसेस और इनकी क्वांटिटी बताती हूँ. तो जो ये आपको लॉरियल का मिलेगा ये 424 में 15 ml प्रोडक्ट मिला है. एंड मिनिमलिस्ट का आपको मिलेगा 599 में 30 ml. और हयालुजेल आपको मिलेगा 30 grams 250 रुपीज़ का. सो आई एम एज्यूमिंग 1 gram इज़ इक्वल टू 1 ml. येस, दो यू नो ग्राम्स इज़ यूज फॉर वेट मास एंड ml इज़ यूज फॉर लिक्विड, बट ऑलमोस्ट सेम होता है. 1 gram इज़ इक्वल टू 1 ml. सो ये प्राइस का तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. अब बात करें पैराबिन्स की, तो तीनों में ही लिखा हुआ है पैराबिन फ्री.
ठीक है, तीनों में कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि इट्स टोटली पैराबेन फ्री। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पैराबेन्स कहाँ से दिखाई देते हैं इनमें, हियालुजेल में, आई डोंट नो, बट कंपनी ने मेंशन किया है तो ऑफकोर्स हम उसे ही लेकर चलेंगे। तो अब मैं आपको इसका फेस पे लगा के दिखाती हूँ, लॉरियल का हियालुरोनिक एसिड। यस, एक हल्का सा डिफरेंस जो मुझे लॉरियल वाले में लगा कि थोड़ा सा ना आपके फेस को ग्लोई बना देता है, हल्का सा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। अभी आप देखेंगे, ये मेरी आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि एक ना एक स्लाइट सा ग्लो जैसे होता है ना, जैसे ही आपके फेस पे लाइट पड़ती है ग्लो आ जाता है, एंड ये ग्लो रहता है कुछ देर तक, मतलब कुछ देर मीन्स एक दो घंटे तो आपके फेस पे ये ग्लो रहेगा ही रहेगा। तो बात करें अगर फ्रेग्रेंस की और कलर की, तो तीनों ही फ्रेग्रेंस फ्री हैं, तीनों ही कलर फ्री हैं, कुछ भी इसके अंदर सिंथेटिक नहीं डाला हुआ है, सो प्योर हियालुरोनिक एसिड है। यस, तीनों 1.5% हियालुरोनिक एसिड है, और ये 1.5% मोर देन इनफ होता है। एंड या हल्का सा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये थोड़ा सा ग्लोई लगता है मुझे, एंड ये सभी स्किन टाइप्स पे जाता है, और हियालुजेल भी सभी स्किन टाइप्स पे जाता है, एंड मिनिमलिस्ट भी सभी स्किन टाइप्स पे जाता है। सो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा बाय करना है, तीनों अच्छे हैं, आप कोई भी बाय कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हाइप नहीं है लोरियल में। सो या दिस वॉज द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक दे सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रोडक्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन Toodles!